Hello and welcome to Reportage. In today's segment of Reportage, I am joined by a very, very senior politician, Sheikh Abdul Rahman from Jammu. I shall ask him about how state Jammu and Kashmir has changed after reading down of the special status of Kashmir. रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका रिपोर्टाज के साथ बात करने के लिए और आपका खैर मकदम भी रिपोर्टाज में। शेख साहब मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। ये चीज आप मुझे समझाइए, शेख अब्दुल्ला चूंकि आप रहे हैं उस एरा में, उसमें आपने पॉलिटिक्स भी अच्छी खासी की है, आप स्टूडेंट डेज से ही पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता रहे हैं। शेख साहब और गुलाम मोहम्मद बख्शी जो थे दो लीडर, दो में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस दरअसल असल बात यह है कि दिल्ली ने हमेशा ही यहां डबल गेम खेला है कि एक के बाद दूसरा अल्टरनेटिव रखा हुआ है। तो बख्शी साहब के बाद उन्होंने बख्शी साहब को पहले ही उतारा था कि अगर शेख साहब हिमायल हो जाए तो अल्टरनेटिव हो, मगर बख्शी के खिलाफ फिर सादिक साहब को रखा, फिर सादिक साहब को बनाया और वो भी रहे थोड़ी देर। मगर ये पॉलिसी क्यों रही है कि वो ड्यूअल पॉलिसी जो न्यू दिल्ली की रही है हमेशा 47 से जम्मू कश्मीर को रिलेटेड, ये क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब ये उन लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं करते थे और वो समझते थे कि ये किसी वक्त भी बदल सकते हैं अपना स्टेटमेंट और हमें अल्टरनेटिव तैयार रखना चाहिए। और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि फिर बेग साहब को भी उन्होंने उतारने की कोशिश की उसमें, और ये तो लेट 75 के अंदर हुआ। जैसे मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बख्शी साहब और शेख साहब हैं दो लीडर में सबसे बड़ा जिसको हम उर्दू में कदावर लीडर कहते हैं कौन? नहीं, कदावर लीडर तो शेख साहब ही थे, लेकिन टेक्निकलिटीज जितनी थी तो वो बख्शी साहब ज्यादा जानते थे और उन्होंने उस मामले में काफी, क्योंकि जितनी एजिटेशनें चली थी तो बिहाइंड द सीन बख्शी साहब ही उनको डील करते थे या कर्रा साहब करते थे, मुहिद्दीन कर्रा। तो यही दो लोग थे जो बाद में एजुकेशन को संभालते थे। शेख साहब तो जेल में चले जाते थे और बाद में यही दो लोग संभालते थे। थोड़ा सा इससे 47 की बात करते हैं, जो अब आज के हालात हैं, आपको लगता है कि कहीं शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू को समझने में थोड़ी सी वो मिस्टेक कर गए, क्योंकि शेख साहब के पास और एक अल्टरनेटिव था उस टाइम पे, मगर स्टिल ही परसिस्टेड विद जवाहरलाल नेहरू? आपको लगता है कि वो एक जो ऑप्शन था वो भी एक ऑप्शन था जो अवेलेबल था उस वक्त शेख साहब के पास? व्हाई डिड, माय डायरेक्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही चूज इंडिया एंड नेहरू? असल बात ये है कि शेख साहब जो थे तो उन्होंने पाकिस्तान से भी मुस्लिम लीग के लोगों से बात करनी चाहिए और बात चली भी, और लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने कोई स्पेशल स्टेटस देने का कोई प्रॉमिस नहीं किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है तो एक वहाँ पर दीने इलाही होगा और हर एक लोग वहाँ पर पसंद करेंगे तो, लेकिन इबादत की हर एक को छूट होगी और वगैरह वगैरह। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान जो है तो वो किसी एक एरिया के लिए स्पेशल स्टेटस के एग्री नहीं करता। वो स्पेशल स्टेटस जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑफर की और शेख अब्दुल्ला नेहरू के साथ चले गए। बिल्कुल, मगर जहाँ पे नेहरू जैसे लीडर थे वहीं पे सरदार पटेल जैसे लीडर, ताराबाई जैसी महारानी और हरी सिंह जैसा महाराजा था, जो कम्प्लीटली अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख लें जो कम्प्लीटली मुस्लिम्स के हमेशा अगेंस्ट रहा है। कहीं पे शेख अब्दुल्ला की भी कुछ गलती कोताहियां रही है उन सबको रीड करने में? इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने उस वक्त इख्तदार की खातिर
जब पाकिस्तान ने उनको कोई स्पेशल स्टेटस देने के ऑफर को ठुकरा दिया और दिल्ली ने उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसी हालत में उन्होंने दिल्ली के साथ ही रहना पसंद किया। शेख साहब, जब नेहरू गुजर जाते हैं, नेहरू की फोत होती है, तो फिर शेख साहब और इंदिरा की रिलेशन भी बहुत देर तक ठीक नहीं रही। दरअसल शेख साहब उस वक्त भी पाकिस्तान में किसी मिशन पर ही थे, और जवाहरलाल नेहरू जो आखिरी अपने उम्र के आखिरी हिस्से में वो मसला कश्मीर का हल भी ईमानदारी से चाहते थे, और उस सिलसिले में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेजा था परमिशन दे करके, बाज़ाब्ता पासपोर्ट लेकर के, और ये इन्होंने वहाँ काफ़ी, लेकिन उसी दौरान में उन्हें डेथ हो गई। अगर वो डेथ ना होती तो पॉसिबिलिटी है कि मसला कश्मीर का कोई हल हो जाता। मैं इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, उनकी रिलेशन भी इंदिरा गांधी बहुत बिटर थी, ठीक नहीं थी, शुरू में ठीक नहीं रही, और कई बार तो इनकी तलखी भी हुई कि मैं एमएलए था उन दिनों, यहाँ जम्मू शहर से 71 में बना था, तो उन दिनों की बात ये है कि शेख साहब जो चाहते थे तो वो इंदिरा जी उस आईने में फिट नहीं आती थी, और जो इंदिरा जी चाहती थी तो उसमें शेख साहब फिट नहीं करते थे, तो ऐसी हालत में उन्होंने इख्तलाफात होते हुए भी बाद में जो पार्थासारथी और बेग की बात हुई और उस पर वो नतीजे पर पहुंच गए कि दोबारा इख्तियार देने से, मैंने एक यहाँ जम्मू में एक कौमी मोर्चा बनाया था और उसका सदर भी मैं ही था, तो मैंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मैंने इंदिरा गांधी को पूछा कि आपकी क्या मजबूरी थी कि इस वक्त ये सादिक साहब चल रहे थे आपके इशारे पर, जिस तरह से करते थे आप तो कहते थे तो वो करते थे, लेकिन आपने ये शेख साहब के साथ बातचीत की हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर शेख साहब अगर मौत हो जाती, डॉक्टरों की रिपोर्ट थी कि इनको ज़्यादा देर नहीं जीना है, तो ये एक नया स्थान बन जाएगा, नए नए लोग वहां पर बच्चे मांगेंगे, लोग वहां पर दुआएं मांगेंगे। लेकिन फिर हुआ तो वही, जब शेख साहब गुजर गए सारा जम्मू कश्मीर उमड़ आया सोबरा पे, जहां पे उनका आज मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन मैं रास्ते से वापस आ गया था, रास्ते से जिस ट्रक पर हम, इंदिरा गांधी की वो वाली भी अंडरस्टैंडिंग गलत साबित हो गई। नहीं नहीं, उसमें तो यानी शेख अब्दुल्ला के बारे में उनको ये कहना था कि ये एक नई ज़ियारत बन जाए यहाँ, तो ये मगर वो तो ज़ियारत फिर बन गई कुछ टाइम, हिंदुस्तान के झंडे में लिपट कर अगर इसके मौत हो जाए, दफन हो जाए, कफन दफन हो जाए, जनाजा हो जाए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा इंडिया के लिए। तो इसी वजह से हासिम को निकाल के शेख अब्दुल्ला को वापस इंस्टॉल किया, शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया, और कुछ चीजों पर शेख अब्दुल्ला साहब खुद भी झुक गए, उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री का जो है डिमांड, वो उन्होंने सदर रियासत की डिमांड छोड़ दी, उन्होंने बाकी कई चीजों को कम्प्रोमाइज किया। क्या शेख साहब को इंदिरा गांधी के साथ जो पार्थासारथी और बेग टॉक्स थे, क्या वो करने चाहिए थे उनको? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब क्या वो जो शेख अब्दुल्ला जो वापस गए इंदिरा गांधी के पास बात करने के लिए, क्या वो बातचीत उनको करनी चाहिए थी उनके साथ, जिस जो कल्मिनेट अकॉर्ड में हुआ 75? इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, कुछ लोगों का कहना था कि शेख साहब बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान से निराश हो चुके थे कि अब हिंदुस्तान का, मगर शेख साहब तो 47 से ही पाकिस्तान से निराश थे। हाँ, लेकिन तो बांग्लादेश के बनने के बाद तो कोई ऐसी चीज नहीं, बांग्लादेश बनने के बाद उनको लगा कि जो पाकिस्तान का एक छोटा मोटा सहारा मिल सकता था तो वो भी अब नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान की अपनी हैसियत जो है वो खतरे में रहेगी हमेशा, तो ऐसी हालत में उन्होंने सोचा कि इंजॉय कर लेंगे वो पावर को और उसको तो थोड़ी अय्याशी कर लेंगे। शेख रहमान साहब, मुझे ये समझाइए, जो एब्रोगेशन रीडिंग डाउन ऑफ स्पेशल स्टेटस हुआ,
क्या वो ठीक हुआ कि गलत हुआ? नहीं, वो तो मैंने कही, बंबई में एक सेमिनार हुआ, दिल्ली में हुआ, आजकल मीडिया कवर नहीं करता है ज्यादा, लेकिन मैंने वहां ये कहा कि ये तो सेल्फ गोल किया कि जो डॉक्यूमेंट थे वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है, दूसरा डॉक्यूमेंट था कि ये 370 उसमें कि स्पेशल स्टेटस दे दिया है, तीसरा था महाराजा का पर दस्तखत करने, तो उसमें ये तीनों चीजें जो हैं, तो आप लोगों ने जो ये सब कुछ किया तो ये आपने सेल्फ गोल किया, अपने खिलाफ कर दिया, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट अब नल एंड वॉइड हो गए, और ऐसी हालत में आपने हमको 47 की जगह पर खड़ा कर दिया, तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हमने तो इस बारे में काफी वजाहत के साथ कहा कि ये एक तरह से बेवकूफी थी और सेल्फ गोल था, अपने खिलाफ खुद ही गोल करने वाली बात थी। शेख साहब, ये मुझे समझाए कि जो जम्मू के लोग हैं, खासकर जम्मू के मुसलमान, क्या वो कुछ खदशात हैं, उनको खतरा लग रहा है उनको कि जमीन छीनेंगे अब या जॉब्स चली जाएंगी? नहीं, उनके खतरात जायज भी हैं, क्योंकि महाराजा की मदद से जो 47 में यहाँ फसाद हुआ तो उसमें जो मुसलमान 3 लाख के करीब मारे गए, छोटे मोटे सारे वाकयात को मिला करके, रजौरी से लेकर पुंछ से लेकर और कठुआ और बसोली और रियासी और उधमपुर, ये सारा मिलाकर भद्रवाह तक, भद्रवाह में भी हुआ था, किश्तवाड़ में नहीं हुआ था, डोडा में नहीं हुआ, लेकिन रामबन में हुआ, बटोत में हुआ और किश्तवाड़ भद्रवाह में हुआ। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये बात मुझे अब्दुल रहमान अंतुले, जब वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि अगर सरकार की कनाइवेंस ना हो तो कोई कमरल राइट हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सो दैट टाइम इट हैपेंड विद एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। स्टार्ट तो यहाँ जम्मू में बटोत से ही हुआ था, बटोत में 2 ठेकेदार थे मुसलमान, और शेख उबला भी इसको रोक नहीं पाए, जो 2 वेव्स नहीं, अगर वो चाहते रोकना, वो जम्मू के मुसलमानों से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जम्मू के मुसलमानों का मुस्लिम लीग के साथ, तो जम्मू के मुसलमानों को मरने शेख उबला ने दिया। हाँ, अगर शेख उबला चाहते रोक सकते थे, काफी हद तक वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तो बन ही गए थे, और जिस तरीके से उन्होंने शेख रहमान साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शेख उबला जम्मू के मुसलमान को पसंद नहीं करता था? बिल्कुल नहीं, उस वजह से जम्मू के मुसलमानों को शेख उबला ने मरने दिया। उसके बाद भी कई मेरे पास ऐसे सबूत हैं, जैसे पंडित लेमा डोगरा ने कहा मुझे, जो MLA था महाराजा की प्रजा सभा में, बाद में भी रहा MLA जम्मू से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब शेख अब्दुल्ला साहब जम्मू आए पहली बार चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, तो इन्होंने यहाँ सिटीजन्स की मीटिंग बुलाई, और सिटीजन ने ये कहा कि कुछ अफसोसनाक बातें हुई हैं यहाँ, जो फिरकादाराना फसाद हो गया, लेकिन इसमें काफी हद तक जम्मू के मुसलमान खुद भी जिम्मेदार थे। ये बात शेख साहब के जबान से निकल गई अपनी तकरीर के दौरान के जो मन में थी, ये जम्मू के मुसलमान, क्योंकि मैंने यहाँ, मैं जब जम्मू पहली बार आया तो मैंने यहाँ तालाब खटिका में, ये एक तालाब था, इस तालाब में जलसे हुआ करते थे, खुश्क तालाब था, तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसा का ऐलान हो गया और दरियां बिछाई, लेकिन कोई नहीं गया और मुसलमानों ने बायकॉट किया यहाँ जम्मू के मुसलमानों ने, और आखिरकार वो दरियां उठा करके तांगे पर लेकर चले गए, और जम्मू के मुसलमानों से शेख साहब नाखुश थे, और इस वजह से शेख साहब ने उनको मरने दिया। मुझे लगता है कि ये भी एक सबब है कि उन्होंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए, पार्टी पर करना चाहिए था। आर्टिकल 370 पे वापस आते हैं, ये मुझे सब समझाइए कि
अब जम्मू का जो एक मुसलमान है वो कैसे अब देखता है, वे फॉरवर्ड क्या है जम्मू के मुसलमान को, क्योंकि अब तो स्पेशल स्टेटस रहा नहीं, जॉब्स का खतरा है, डेमोग्राफी चेंज का खतरा है, और अगर हम देखें कठुआ या राजौरी में अब लैंड्स भी ये लेने लगे हैं, लैंड ट्रांसफर होने लगा है, बहुत लैंड लॉस चेंज हो गए हैं, तो क्या वे आउट है, क्या वे फॉरवर्ड है एक जम्मू के मुसलमान के लिए? जम्मू के मुसलमान के तो उसकी थिंकिंग यही है कि जो आम हिंदुस्तान के मुसलमान से होगा वो हमसे होगा, इसके अलावा अब उनकी वसत नजरी, उनका कोई वेटेज तो है नहीं कि वो उसके लिए कोई स्ट्रगल करें, लेकिन ये तो जम्मू कश्मीर के हर मुसलमान के जहन में ये बात उभरती है कि कश्मीर में तो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, लेकिन इसके बावजूद भी वो भी ये महसूस करते हैं कि ये जिस 370 जिस तरीके खत्म किया, 35A खत्म कर दिया, तो इस तरीके से इन्होंने अब खतरात हैं मुसलमानों के लिए भी और जो जम्मू के अपने हिंदू पॉपुलेशन है उनके लिए भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब गवर्नमेंट की कनाइवेंस हो तो ऐसे सूरत में कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ ना, मैंने आपको बताया था कि बटोत में सबसे पहले महाराजा जब श्रीनगर से जम्मू आ रहा था 26 अक्टूबर को, तो जम्मू में बटोत में दो ठेकेदारों को गोली से मार दिया, और बाद में वो SHO ने जिम्मेवारी ली कि इन्होंने जी महाराजा की कार पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए हमने गोली चलाई। तो वहां से स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद पत्नीटॉप पर जब ये पहुंचे तो ये टनल तो था नहीं, ये पत्नी टॉप पर पहुंचे तो वहां से महाराजा ने और महारानी ने और कैप्टन दीवान चंद जो उनका PA होता था या PSO होता था, तो कैप्टन दीवान चंद ने मुझे बताया कि पत्नी टॉप पर सोचा कि आगे क्या होना चाहिए, तो इसलिए वही ये प्रोग्राम बन गया था कि जो ही हम मोटर शेड पर पहुंचे, चिनेनी में सड़क नहीं जाती थी तब, मोटर शेड ही होता था वहाँ, तो वहाँ कुछ सिख और हिंदू लोग जो इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने महाराजा के जिंदाबाद के नारे लगाए, तो महाराजा ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो अभी, महारानी ने कहा, महारानी ने बाल खोलकर डाल दिए इधर उधर, और एक तरह से महाकाली का रूप धारण कर दिया, और उनको कहा दिया कि तुम क्या देखते हो, ये मुसलमानों ने हमसे कश्मीर तो छीन लिया है, तो अब जम्मू के तुम क्या देख रहे हो, तो मतलब ये महारानी से कहलवाता गया, महाराजा चुप रहा, महारानी से कहलवाता रहा, वहां से वो उधमपुर आया, वहां से वो झज्जर कोटली आया, वहां से जहां जहां भी वहां तो दोनों कम्युनल थे और महारानी से कहलवाता गया महाराजा, और इसमें शेख अब्दुल्ला बिल्कुल चुप करके बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो दिल्ली थे उन दिन गए हुए, वो तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद अब उनकी कोशिश ये थी कि वो रामचंद काक ये मेहरचंद महाजन को रिप्लेस करें एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिर्फ इतनी पहुंच, इतनी सोच ये थी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, लोगों के साथ क्या हो वो उसके कुछ नहीं, मैं समझता हूँ लोगों की भी कुछ होगी, जो बाद में उन्होंने जो लैंड एबॉलिशन एक्ट, बिग लैंड एबॉलिशन एक्ट वगैरह बनाया, तो उससे लोगों के भले के लिए कुछ काम किए उन्होंने, लेकिन अगर वो उस वक्त खामोशी इख्तियार न करते और जम्मू और उधमपुर वगैरह के फसाद को रोक सकते थे, मुझे ये शिकायत है। अब 370 के खत्म होने के बाद जो है, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये तो 1947 में पहुंचा दिया, और अब रिसेंटली मैं पढ़ रहा था ये शहबाज शरीफ का बयान कि वो कहते हैं बात तो करते हैं लेकिन 370 इन्होंने क्यों खत्म किया, उसको वापस ले, तो अब अगर फॉरेन प्रेशर होगा तो तभी कुछ हो सकता है, वरना स्टेट के अंदर तो स्टेट में इस वक्त जो है, आप ये बोल रहे हैं कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए फॉरेन प्रेशर होना चाहिए तब कुछ हो सकता है, फॉरेन प्रेशर होना चाहिए।
तो अगर जिस तरह से अगर ये एक स्टेप विड्रॉ करने की तरफ है कि जिस शहबाज शरीफ ने जो कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कि अगर 370 ये वापस लें तो बात हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है। आपको लगता है न्यू दिल्ली 370 वापस लेगा? मुझे नहीं लगता कि मोदी के होते हुए ऐसा हो सकता। मोदी की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लफ्ज में डिफाइन कीजिए। नरेंद्र मोदी दिन में आधी दर्जन से ज्यादा सूट बदलता है और ये बड़ा अच्छा एक्टर है और बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी इस्तेमाल करता है कि जहां जैसा जैसा जैसी सूरत देखता है उसके मुताबिक बात करता है। और इस वक्त इसने यही रखा है कि हिंदू जो है मुत्तहद हो जाए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के लीडर जो हैं जिनमें बुखारी भी है, जिनमें ये है मुफ्तीज हैं, लोन है, सजाद लोन है, तो जिनमें अब्दुल्लाज हैं कुछ तो हाँ, इनके बारे में कहते हैं नेशनल कांस वाले भी दरपर्दा ये चाहते हैं कि पावर अगर हमको दे दें तो हम इस पर हिस्सा करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी हालत में सेकुलर वोट को डिवाइड करना चाहते हैं और खासकर मुस्लिम वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए ये जो पहाड़ी और गुजर का मामला ये खड़ा कर दिया रजौरी पुंछ में और बारामूला के अंदर। तो असल में ये सेकुलर वोट और मुस्लिम वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। सेकुलर वोट, हिंदू वोट और मुस्लिम वोट जो है उसको डिवीजन जितनी हो तो वो उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो ये सारा जो है ये प्री प्लेन्ड है और इसके लिए दिन रात काम हो रहा है। रहमान साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रिपोर्टाज and press the bell icon to remain updated.